लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया आज से, और अभी तक हमने जो यथावत जो स्थिति है उसको ही कायम रखा है। आज शाम को हम बैठ करके थोड़े कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, और उस पर चर्चा करने के बाद कुछ आंशिक परिवर्तन उसमें रिलैक्सेशन की दृष्टि से कुछ हो सकते हैं, उनसे मना नहीं किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश में हमको और ज़्यादा सख्ती के साथ कुछ वक्त काम करने की आवश्यकता, क्योंकि प्रवासी जो मजदूर यहां से बाहर जाना चाहते हैं ये एक विषय है अलग से, उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। और उसके साथ बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से हिमाचली आए हैं और आ रहे हैं वर्तमान में, उस स्थिति पर हम नज़र रखे हैं कि मामले ऐसी परिस्थिति में कितने बढ़ते हैं। और ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर मामले बढ़ते हैं तो कुछ वक्त तक हमको बहुत रिलैक्सेशन पर हम नहीं सोच रहे हैं, और अगर स्थिति 8-10 दिन तक ठीक रहती है तब तक के लिए हमारे वो जितने बाहर से आए लोग होंगे वो सेटल हो जाएंगे, उनके जो टेस्ट वगैरह करने की जो प्रक्रिया होगी, क्वारंटीन होने की जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद हमको अगले कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। सर, क्वारंटीन केंद्रों में दो डेथ हुई हैं, पिछले बिलासपुर का मामला था, आज नेरचौक की घटना आई है, मैंने उस पे रिपोर्ट मांगी है आज। हाँ जी, लोगों के लिए कोई काउंसलिंग वगैरह की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो कई बार सेटल भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के वैसे तो हमने जहाँ जहाँ क्वारंटीन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वहाँ पर जो है वो बहुत जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको सारे चीज़ों को लेकर के जो है जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन ये दो घटनाएं जो है थोड़ा हमको परेशान करने वाली स्वाभाविक रूप से है, और एक तो जो नौजवान की जो मृत्यु हुई है, जो स्वार घाट में थे, बिलासपुर भेजा गया, बिलासपुर से शिमला आते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी घटना आज मिली, उसकी मैंने रिपोर्ट मांगी है शाम तक, और रिपोर्ट जैसे आती है उसके बाद फिर अगला कदम उठाएंगे। राज्यों के जो स्ट्रैंडेड लेबरर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, आपने दूसरे राज्यों के साथ पत्राचार भी किया है, क्या रिस्पांस है? शुरू में नोडल ऑफिसर्स ने बताया था कि रिस्पांस नहीं आ रहा है बार बार लिखे जाने पर भी, अभी क्या स्थिति है, कितने लोग हैं बाहर जा रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने एक तो तय किया है कि रेलवे की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है उन लोगों की रेलवे के माध्यम से, उसके लिए विशेष ट्रेनें वो उपलब्ध करवाएंगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा। हमारे पास पूरी फीडबैक है, पूरा हमारे पास डाटा आ चुका है, कितने लोग आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो एक संख्या है लगभग 60,000 वो है, और उसके बाद कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं तो 70,000 प्लस वो लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में जब तक ट्रांसपोर्टेशन का ठीक अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, जब तक जो लाइजनिंग ऑफिसर जो हमने लगाए हैं, जो नोडल ऑफिसर लगाए हैं, उन्होंने स्टेट के साथ टेकअप कर लिया है, मेरे अधिकांश चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद जैसे वहां से ट्रेन की उपलब्धता हमको होती है तो उसके बाद जाने और आने की व्यवस्था दोनों पर हम काम कर रहे हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश में 3 ट्रेनें आई हैं, और बड़ी संख्या में और लोग भी दूसरे स्टेट जो पास के माध्यम से आए हैं, लेकिन विशेष तौर से जो मुंबई से और पुणे से ट्रेन आई है, नागपुर से भी कुछ लोग आए हैं, संख्या नागपुर वाली संख्या थोड़ी है, लेकिन आने वाले समय में इसी पर हम काम करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके चल रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभी फिलहाल अभी तक हम रुके हुए हैं, अभी विचार कर रहे हैं। थैंक यू।